हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू रिएक्शन गाइस। आज हम लोग एमिली सर का एक नया सॉन्ग है, नाम है न्यू वर्ल्ड रिमिक्स। ओके, तो ये जो सॉन्ग है इस सॉन्ग को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी एंड लोगों ने बहुत सारा हेट भी स्प्रेड किया कि यहाँ पर हमें उल्लू बनाया गया। बिकॉज पहले ऐसा लगा था लोगों को कि एमिली सर ने स्नूप डॉग एंड लेक्स प्राइडे ओके आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, लेकिन उनके साथ कॉलाब किया है। लेकिन ये कॉलाब नहीं था ऐसा लोग कह रहे हैं एंड उनका एक पुराना सॉन्ग था जिसे ज़्यादा भाव नहीं मिला था, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। ये पार्टी चल रही है अभी एंड उसी सॉन्ग को उठा के यहाँ पर रिमिक्स कर दिया गया है। सो ये पूरी बात थी। मतलब मुझे भी जब ऐसा पता चला था कि स्नूप डॉग कि सच में इतना मतलब इंटरनेशनल लेवल पर मतलब स्नूप डॉग के साथ कॉलाब, मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुई थी। लेकिन लेट्स सी फर्स्ट ओके, उसके बाद बात करेंगे। Yeah, little homie. Recognize game when it's in your face. Elevate, educate, motivate. Dig. Ride, ride, rippity ride. Let me tell you a little something about pride. Slide, slide, slippity slide. And I'ma take you for a walk on the wild side. Hold down, slow down, graduate. The way you move it, you'll catch a case. Cause I know that, what's that say? All work and no play. Boy, you better not ditch that class. Make that fast, you better go and get that cash. Oh, you like being a fool, packing a tool? Boy, you better get schooled. How you think that I got mine? You better read between the lines. Yeah, cause life ain't fair. You better get up, get out, and go get there. Motivate. My people gonna motivate. Climb to the top of the Empire State. My people gonna motivate. A new world awaits. My people gonna motivate. Those people gonna motivate. All people gonna motivate. Wanna make it happen before it's too late. All work, no play. बचपन से हाँ सुनामी, अगर लालची है लाला तो फिर रास्ता नाप ले। भूख आज भी उतना ही जितना कल था, लोग भी बदलते थे जैसा मौसम बदलता, पर चलता रहता था गाड़ी तेरा काय को बंद था। आँख खोल छोटे हर जगह दिखेगा बंटा। ए, मेरा फ्लो बड़ा नास्ती है, पहनावे से लेके सब कुछ में भाई तेरा क्लास नहीं है। लाइफ इज तो ब्राइट नहीं चलता बिना मैं ग्लास लिए। आँखों पे है चश्मा सबके, पर किस पे भी खास नहीं लगता है। फैंस तेरे भी है फिर भी पंगा फास्ट नहीं लगता है। एक पफ मारा फिर तू अगला खास नहीं लगता है। क्यों क्यों बेड़ा तेरे ऐसे बहुत सारे क्यों? अच्छी चीजों पे करो जाओ कॉन्सेंट्रेट, सिंपल चीजों को सिंपल रहने दो, कॉम्प्लिकेट मत करो, कॉम्प्लीमेंट तो करो, कंसिस्टेंट तो रहो, काबिल खुद से बनो, दूसरों को करो जाओ ओके। तो हमने भी ये सॉन्ग देख लिया पूरा एंड जिसने भी ये वीडियो बनाया था वो बहुत ही ग्रेट था एक्चुअली, देखने में बहुत मज़ा आया। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सॉन्ग पूरा बहुत ही बुरा सॉन्ग था, ऐसा नहीं कहेंगे, बिकॉज अच्छा सॉन्ग था एक्चुअली एंड लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ द कोलैबोरेशन थिंग। लोगों को लगा कि ये कोलैबोरेशन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कोलैबोरेशन नहीं था। एक सॉन्ग को सिर्फ रिमिक्स वर्जन दिया गया है एक्चुअली यहाँ पर एंड लेकिन फिर भी अगर सोचने से बात ये भी है कि हाँ चलो गुस्सा आया, गुस्सा किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये स्नूप डॉग का सॉन्ग है एंड हम जब भी ऐसे किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट का सॉन्ग यूज़ करते हैं तो मतलब कॉपीराइट क्लेम आता ही आता है। तो अगर एमएस सर को ये एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक चांस मिला है, उन्होंने लिया स्नूप डॉग ने कि हाँ भाई तुम बनाओ इसके ऊपर रिमिक्स,
या फिर उनके मैनेजर ने किया होगा बात, कुछ भी हो, लेकिन उनको ये काम मिला और उन लोगों ने ये काम किया एंड यहाँ पर लिखा भी है कि स्नूप डॉग एंड उनके साथ ये रिमिक्स सॉन्ग है वो भी यूट्यूब पे रिलीज हुआ है, कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, तो मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। मतलब यू नो जब हम किसी भी वार्नर ब्रूस के किसी भी सॉन्ग के ऊपर जब हम रिएक्शन के लिए वीडियो डालते हैं तो हमेशा डालो उसके पहले, अपलोड हो उसके पहले ही कॉपीराइट क्लेम आ ही जाता है, बिकॉज हम लोग सेम क्लिप भी यूज़ नहीं कर सकते। तो म्यूज़िक अगर थोड़ा भी हो ना, एक मिनट का म्यूज़िक भी हो तो मतलब क्लेम आ ही जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कुछ लोगों ने कहा कि मतलब ऐसे ही बना दिया, किसी से पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही सकता नहीं है। आई मीन यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली एमिनेम ने बहुत बड़ा काम किया है। एक्चुअली देखा जाए तो ये स्नूप डॉग के एक सॉन्ग के ऊपर रिमिक्स बनानी, ये कोई ऐसी बात नहीं होती कि हमें, हम फैन हैं बना लिया, ये एक्चुअली परमिशन लेनी पड़ती है और उन्हें परमिशन मिली, ये बहुत बड़ी बात है। सो ऑल इन ऑल ये सॉन्ग ग्रेट था, बहुत मज़ा आया सुनने में। थोड़ा एमएस का वॉइस थोड़ा कम था, आई थिंक ये भी वजह हो सकती है कि लोगों को लगा कि यार बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया या फिर बहुत कम सुनने को मिला, तो ये बात हो सकती है, अदरवाइज इट्स अ ग्रेट सॉन्ग। सो अगर गाइज आपको ये अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।